आज मैंने मैंने किया है 4 सेट भाई और आगे इरादा है सरकार बनाने का। तो सरकार बनाने अगर जा रहे हैं तो कुछ संदेश देना चाहेंगे विपक्षियों को? नहीं, हम प्रदेश के 24 करोड़ जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, कृष्णा पटेल, राम सागर बेन, प्रेमचंद प्रजापति, हम सब लोग मिल करके अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 6 महीने में जातिवार जनगणना, 300 यूनिट बिजली शपथ लेते ही फ्री, गरीबों का इलाज फ्री में होगा, पुरानी पेंशन बहाल होगी, प्रदेश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा होगी, और प्रदेश में जो योगी जी मोदी जी का ललका साड़वा, ऐसे किसान के निजात दिलाएंगे। ये मोदी जी दंगावादी या परिवारवादी में कुछ इशारा कहना ऊपर कुछ टिप्पणी बात? नहीं, देखी जेकरे पल्ले खुद परिवार ना हो, परिवार का हाल का जानी, जाके पैर फटे बेवाई सो ही जाने पीर पर आई। सर गाजीपुर का 7 स्कोर है, 7 में से कितने मिलेंगे? 7 तो यार कौ न बची, देखी है ना, जवानत न बची भैया। पिछली चुनौती देता हूँ, पूर्वांचल नहीं पूरे उत्तर प्रदेश, अभी हुआ 58 ना, 58 में 52, 58 में 52 आने दीजिए ना। ये बताएं कि पिछली बार आप जब भाजपा के साथ थे तो 5 सीट आप लोग जीते थे, इस बार 7 के साथ। मुख्तार अंसारी पे चर्चा लग रही है कि आपने उनकी घोषणा की थी, क्या लग रहा है, लड़ने जा रहे हैं आपके टिकट पे? अभी तो उनके बेटा अब्बास और मुख्तार अंसारी दोनों लोग नामिनेशन एक साथ करने वाले हैं, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये फैसला उनके ऊपर है। दोनों लोग मऊ सदर से? मऊ सदर से। आपके खिलाफ बीजेपी अभी कैंडिडेट नहीं दे पाई है? कैंडिडेट है नहीं है कोई लड़ने वाला भैया, सही बात तो यही है। आप लोग भी सदर में नहीं दे पाए अब तक? कौन सी? अरे तय हो गया, दुल्हा एकदम सज रहा है महाराज, काय पर आप गाजीपुर की बात कर रहे हैं? हम बलिया से, गाजीपुर से, मऊ से, आजमगढ़ से, अम्बेडकर नगर से, हम कह रहे हैं जौनपुर से, भारतीय जनता पार्टी का खाता न खुली। ओम प्रकाश जी एक तो छोटी सी बात है, आपके यहाँ समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक और मंत्री रही शादा फातिमा बागी हो गई है आपके खिलाफ? नहीं नहीं, तो देखिए लोकतंत्र है, नेता लोगों का इधर से उधर जाना तो लगा रहता है। कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, आप देखिएगा यही काउंटिंग स्थल जहाँ बना हो बनेगा, आप लोगों के सामने ओम प्रकाश राजभर जीत का प्रमाण पत्र लेके जाऊंगा। और पिछली बार तो कम ओर से जीता था ना, ये दवा पारी तब कम से कम 40 से 50 हजार से जीतेंगे, देखिएगा ना। तो हम लोग क्या माने कि गाजीपुर से डिप्टी सीएम अगली बार बन रहे हैं? अब आप लोगों का आशीर्वाद इतना मिला ओम प्रकाश राजभर को कि आज देश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर दिखने लगा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। एक आपने बयान अभी दिया है कि मोटरसाइकिल पर 3 सवारी का चलान नहीं होगा, इससे बड़ा चर्चा आ गई, ये बयान नहीं, अब नहीं, अब आप सोच लीजिए कि आप देखिए ट्रेन में बोगी होती है, एक बोगी में 60-70 सीट होती है, 200-300-400 लोग जाते हैं, तो उस ट्रेन की चलान नहीं होती है, सरकार नहीं करती है। 50-60 सीटर की बसें होती हैं, 100-100, 90-90 उसमें ठूस के जाते हैं, चलान नहीं होती है। 9 सवारी की जीप मिलती है, 9 सवारी का पास होता है, उसमें भी 20-22 भर के जाते हैं, उसकी चलान नहीं होती है। सिपाही थाने पर जब कोई एप्लीकेशन पड़ती है, कोई झंझट तकरार होता है, तो दरोगा जी सिपाही जी जाते हैं पकड़ने, जब पकड़ लेते हैं तो बिचवा में बैठाते हैं, तब 3 हो जाते हैं, तो सिपाही जी दरोगा की भी चलान नहीं होती है। तो फिर बताइए कि अगर हम लोग 3 सवारी चलते हैं तो क्यों चलान होती है? अगर हमारी चलान होगी तो सबकी चलान होनी चाहिए, इस नाते 3 सवारी फ्री किया हूँ। और नकाब इन चुनाव के पहले आ गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब आता है तो ये धर्म का चश्मा पहनते हैं, नफरत की राजनीति बोलते हैं, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा की बात ये क्यों नहीं बोलते, देश में प्रदेश में रोजगार की बात क्यों नहीं बोलते, ये अन्ना पशु आवारा पशु योगी मोदी के ललका साठ से निजात कैसे मिले किसान को, आम आदमी को, इस पे क्यों नहीं बोलते? प्रदेश में अभी घरेलू बिजली का बिल माफ हो, अभी इन्होंने किया ना 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का बिजली का दाम बढ़ा के लूटा, आचार संहिता लगने के 3 दिन पहले बिजली का दाम आधा कर दिया,
क्यों कर दिया भाई? इसका मतलब कि आपने लूटा, पैसा वापस करो पहले। तो बिजली का बिल माफ, 1 करोड़ रुपया गुजरातियों का, 1 लाख करोड़ रुपया गुजरातियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों का बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता है? इस पे क्यों नहीं बोलती भारतीय जनता पार्टी? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मुफ्त देना है तो शिक्षा दो, दवाई दो, रोजगार दो, नौकरी दो, यही कहा दे रहे हैं मोदी जी। आप सत्ता में आएंगे तो माफ करेंगे ये बिजली का बिल? 300 यूनिट बिजली फ्री 5 साल सबको मिलेगी। और जो बकाया बिल? अब बकाया बिल पर तो हम विचार करेंगे भाई, अभी उसमें फैसला नहीं। साथ साथ बात, उत्तर प्रदेश में अगर बिजली का बिल माफ, 1 करोड़ रुपया गुजरातियों का, 1 लाख करोड़ रुपया गुजरातियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों का बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता है? इस पे क्यों नहीं बोलती भारतीय जनता पार्टी? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मुफ्त देना है तो शिक्षा दो, दवाई दो, रोजगार दो, नौकरी दो, यही कहा दे रहे हैं मोदी जी। आप सत्ता में आएंगे तो माफ करेंगे ये बिजली का बिल? 300 यूनिट बिजली फ्री 5 साल सबको मिलेगी। और जो बकाया बिल? अब बकाया बिल पर तो हम विचार करेंगे भाई, अभी उसमें फैसला नहीं। साथ साथ बात, उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनी आपकी, तो क्या जो ड्रेस कोड है स्कूलों का, उसमें हिजाब या नकाब या कोई भी जो अपने मन से पहनकर आना चाहे फ्री कर देंगे? नहीं, देखिए अक्सर आप, हम सब लोग देहात के रहने वाले हैं, हम तो देहात के रहने वाले हैं, अलग अलग स्कूलों को अलग अलग ड्रेस है अक्सर हम लोग देख रहे हैं। संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी के ऊपर पहनावे पे पाबंदी लगे। सब लोग स्वतंत्र हैं, अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब को मानने वाले पूजा पाठ सब लोग करें। संविधान नफरत नहीं किसी को बताता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत का बीज बोती है। जब देखिए चुनाव आया दिल्ली, तो कहराना वो वहां दिल्ली में साइन बाग बटन दबाओ, करंट साइन बाग, ऐसा करंट दबाए सबने बटन कि तीनिया सीट मिली। डोर टू डोर पर्चा बांट रहे थे हमारे गृह मंत्री जी, वहां जमाती थूक रहे थे तो कोरोना फैल रहा था। अब क्या हुआ, आए मुजफ्फरनगर और आकर के थूक लगा के पर्चा बांट रहे हैं ना। डोर टू डोर इतना विकास किया तूने उत्तर प्रदेश में भाई, देश में इतना विकास किया तो डोर टू डोर वोट मांगने की क्या जरूरत? अब अपने आप वोट मिलता, लेकिन दरवाजे दरवाजे भिखारी की तरह घूम रहे हो क्यों? ओम प्रकाश जी, जयंत चौधरी जी अपना वोट नहीं डाल पाए, देखिए कुछ कहेंगे? लोकतंत्र में चौधरी जी का विषय और हमारा विषय जी, भैया हम बहुत निराला आदमी, अब उनसे पूछिएगा तो वो बताएंगे, हमसे पूछिए तो हम बताएं। सर, ये छात्रवृत्ति के लिए जो पुराना विभाग रहा है, बता दूं, जब मैं मुख्यमंत्री बनवाया, पूर्वांचल से 125 सीट जीतवाया भाजपा को, तब भाजपाई के लोग कहते ना कि हमारे बदौलत जीता हूँ राजभार, हमके घबरामा जीत गई। 17-18 का बजट अलाट होता है, पहला 7 लाख बच्चे होते हैं सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा, 25 लाख बच्चे होते हैं पिछड़ी जाति के, 7 लाख को 700 करोड़ और 25 लाख को भी 700 करोड़, कोई भेदभाव शुरू हुआ हमारा पंगा वहीं शुरू हो जाता है। और 5 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं दिया और सामान्य वर्ग को दिया, शुरू हुआ हमारा पंगा वहीं शुरू हो जाता है। और 5 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं दिया और सामान्य वर्ग को दिया, ये भेदभाव उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और किया। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,000 शिक्षक भर्ती, आपके 70,234 भर्ती, सारे शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण पिछड़ों का, 22.5% आरक्षण दलितों का योगी जी ने लूट लिया, भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया। जब बच्चे गए लखनऊ के हमारा हिस्सा लूटा जा रहा था, पुलिस से पिटवा दिया, उसके बाद बच्चे चले गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जांच हुई, जांच में रिजल्ट आ गया कि 23,000 पद पिछड़ी जात और दलित का लूटा गया। योगी जी पहले तो खूब भाषण मारते थे कि बड़ी पारदर्शिता से भर्ती हुई है, लेकिन हुआ क्या, जब जांच हुई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने, तब फिर वही योगी जी कह रहे हैं कि आरक्षण में, ये आरक्षण के कोटे में आरक्षित वर्ग के साथ जो गड़बड़ी हुई उसको हम भरेंगे, 23,000 की जगह 6,000, आप 6,000 स्वीकार कर लिया, इसका मतलब कि आपने पिछड़े दलितों का हिस्सा लूटा था, तब आपने स्वीकार किया ना। तो पिछड़ों के साथ हमेशा धोखा, 1700 थाने हिस्सेदारी नहीं, 350 तहसील, 826 ब्लॉक, 75 जिले, 18 कमिश्नरी, पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं, दलितों को हिस्सेदारी नहीं, वोट तो मांग रहे हैं, आवा ले ला,
देख तुम बोरा का बोरा भर दी है, रो रो के लौट के ना चल गई ला, तो ओम प्रकाश राजभर के का देख लिया, पूर्वांचल तो छोड़ दा, पश्चिम में हवा खराब कर दिले है।